वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुकिंग वर्जन ब्लॉग उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी जो ब्लॉग बना, बनाया बनाए थे मैंने उनमें मैं आपसे शॉपिंग शेयर नहीं कर सकी और ना ही जैसे मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैंने कुछ शॉपिंग की है और शॉपिंग हॉल में आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता सकी <coughs> और इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों से अभी अपना सारी शॉपिंग का जो सारी शॉपिंग जो दो ब्लॉक से मेरी शॉपिंग मिस हो गई थी वो मैं आप लोगों से उसका हॉल मिस हॉल करने जा रही हूँ और ये है मेरे और भी कपड़े हैं और कुछ ये वाले दो सूट हैं और दो स्टोर में पड़े हुए हैं वो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कुछ चीज़ें हैं शॉपिंग की जो मैंने की थी अच्छा ये मैंने अभी विंटर्स में जो है लॉन्ग के सूट खरीदे हैं सेल में से विंटर्स के कपड़े भी मुझे नहीं चाहिए खदड़ मुझे चाहिए अब देखिए मैं खदड़ न्यू वाले जो खदड़ के जो प्रिंट है वो मैं कब ले कर आऊँगी फ़िलहाल मैं वैसे ही गई थी मुझे शॉपिंग नहीं करनी थी लेकिन फिर भी कुछ सामान चाहिए था तो सेल थी तो मैंने ये सूट जब वहाँ पर चेक किए तो मुझे बहुत पसंद आए और मुझे मुनासिब लगे तो मैंने ख़रीद लिए अच्छा ये वाला जो सूट है ये सफ़ायर का है और ये थ्री पी थ्री पीस सूट है और इसकी प्राइस भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सेल में मुझे ये इतना सस्ता पड़ा इतना सस्ता पड़ा और ये इस कदर अच्छा सूट है इसका फैब्रिक प्रॉपर ये ये ओरिजिनल ब्रांड है सफायर का और इसका जो दुबट्टा है इतना इसका दुबट्टा जो है शेफ़ून का दुबट्टा है और वाइट प्रिंटेड शर्ट है इसके साथ कैमरिक की और इसका दुबट्टा बहुत अच्छा था बहुत सॉफ़्ट शफोन का दुबट्टा था जब भी आप इस तरह के कपड़े लें तो उनका दुबट्टा ज़रूर चेक करें अक्सर दुबट्टे बहुत रफ़ होते हैं शफून के तो उनसे अवॉइड करें अच्छा ये वाली इसकी वाइट शर्ट थी कैमरिक की है ये और बस ये सूट था ये। और ये सफायर का है इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है आई थिंक तीन हज़ार दो सौ थी और आ, सेल में से ये मुझे मिला है टू थाउजेंड का मिला ये थ्री पीस सूट है आ, पूरा सूट है माशाल्लाह और बस ये इसकी शर्ट है काफ़ी खूबसूरत कलर है ये और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला सूट और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने और ये थे मेरे हस्बैंड के कपड़े जो कि अभी ही स्टिच होकर आए थे और मैं हॉल कर रही थी अपना शॉपिंग तो ये भी आ गए और ये मर्दाना सूट ये गुलामत का था आई थिंक ठीक है और अभी मैं आपको ये अच्छा तो जी ये मैं दूसरा सूट है ये वाला और ये कॉटन लॉन है ठीक है कॉटन स्टफ होता है और जैकेट में है ये और इसकी प्राइस आप लोग देख लें आ, ये भी मुझे मिला है बारह सौ का ठीक है और ये फैंसी कलेक्शन है लिटल बेटी यानी कि जो नॉर्मल होती है इस तरह की ये का इसके ऊपर काम हुआ हुआ है आ, और ये भी थ्री पीस सूट है इसका दुबट्टा जो है ये फिरोज़ी स्टफ़ है काफ़ी अच्छा स्टफ़ है इसका और अब बाकी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाला ब्रांड ख़रीदा है ये है आयशा हबीब का सॉरी आयशा हिबा और ये बारह सौ का मुझे थ्री पीस पड़ा है और ये इसकी शलवार है और ये इसकी शर्ट है पिंक कलर की जैकेट पे प्रिंट है इसका ठीक है ये वाली शर्ट है फिरोजी दुबट्टा है इसका और पिंक शर्ट है और ये कॉटन और लॉन मिक्स जो फैब्रिक होता है ये उस टाइप का है और यही मैं चेक कर रही थी अच्छा इसका जो नाम है ना पूरा इस सूट को कहते क्या है एक्चुअली इसको कहना कहते हैं बनारसी सीटी सूट ठीक है अब लॉन हो कॉटन हो या जो भी प्रिंट हो जामावार वो जो भी आपको फैब्रिक चाहिए आप लोग दुकानदार से कह के उससे कंफर्म कर सकते हैं और ये था मेरा अबाया अब जो कि मैंने नया ख़रीदा है मुझे एक अबाया अब चाहिए था घर के इस्तेमाल का अबाया काफ़ी साल पहले मैंने ख़रीदा था वो ही चल रहा था तो मैंने कहा कि एक, एक फ्रेश सा साफ़ सा एक और होना चाहिए अबाया क्योंकि जो बाया आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जब वॉश होता है तो उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है ठीक है तो इसीलिए जो था मेरा बाया उसकी शाइन ख़त्म हो रही थी तो अब मैंने कहा कि दूसरा बाया मैं जल्दी से ले आऊँ ये अबाया मैंने बिल्कुल लोकल मार्केट से ख़रीदा है और इसके साथ कुछ भी नहीं था सिर्फ़ एक दुपट्टा था जाल शफून टाइप का ठीक है कुछ ख़ास दुपट्टा इतना अच्छा नहीं था लेकिन इसकी स्ट्रचिंग मुझे अच्छी लगी बाजार में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड थे अबाया लेकिन मुझे एम्ब्रॉयडर्ड नहीं बिल्कुल सिंपल प्लेन चाहिए था इसके अलावा कुछ और थे नहीं तो बस मैंने यही ख़रीद लिया और ये पिक्चर में इसकी शाइन नहीं है अदरवाइज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन थी माशाल्लाह और ये इसका दुपट्टा है अदरवाइज़ ये दुपट्टा मुझे काम नहीं आता क्योंकि मुझे जो है ना बहुत सॉफ्ट वाले स्कार्फ पसंद हैं स्ट्रॉलर जो होते हैं मैं वही लेती हूँ ये मेरे काम का नहीं है और अच्छा इसकी जो प्राइस है ना सबाई की स्टूबटट्टी के साथ सेवेंटीन हंड्रेड ठीक है और जी अभी ये मैं दिखाती हूँ जो थोड़ी सी शॉपिंग मैंने अच्छा ये दो दिन की शॉपिंग है मेरी इकट्ठी नहीं की ठीक है मैंने और अब ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था नेल रिमूवर वाइप्स हैं ये बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं और और ये इनकी जो प्राइस है फिफ्टी रुपीस है और ये खुस्से थे अब आप कैस करेंगे ये खुस्से कितने के हैं ये वैसे ही मैंने ख़रीद लिए कोई इनका कुछ ख़ास प्लान नहीं था लेकिन मुझे आपको पता आजकल जो रफ़ एंड टफ़ आप लोग आने जाने में जो भी यू, जूता यूज़ करते हैं मतलब वो बहुत उसकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो जूते जितने कम हो उतने ही कम हैं तो ये वैसे ही मैंने एक जूता ख़रीद लिया इतना सस्ता मिल रहा था ये इस कदर सस्ता मिल रहा था अदरवाइज़ जो ख़ुस्सा की जो कीमत है वो थाउजेंड रुपीस होती है सेवन हंड्रेड से थाउज़ेंड रुपीस जो लोकल खुस्सा है मार्केट में वो भी सेवन हंड्रेड का मिल रहा है ठीक है या बहुत सी जगहों पे फाइव हंड्रेड का मिल रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है सो so, ये वाला जो ख़ुस्सा था मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ थ्री हंड्रेड रुपीज़ में ठीक है थ्री हंड्रेड रुपीज़ में इसमें और भी चीज़ें थी लेकिन बस कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने यही ख़रीद लिया थ्री हंड्रेड में और क्या चाहिए मतलब वक्ती तौर पे तो आपका गुजारा हो जाता और आपका ब्रांडेड शूज़ वो घिसने से बच जाता है तो आप ये थोड़ा सा चला सकते हैं और इसके अलावा मैंने ख़रीदे थे ये स्काफ़ दो, दो स्काफ़ मैंने स्ट्रॉलर ख़रीदे थे एक ये वाला ये नेवी ब्लू कलर का है कुछ कैमरे में रॉयल लग रहा है कुछ रॉयल भी लग रहा है और कुछ नेवी ब्लू टाइप दो बहुत कलर हैं माश और टी पिंक कलर है इसके अंदर ये वाला और एक ये ब्राउन टी पिंक सा कलर है दो कलर हैं इसके अंदर ठीक है और एक ग्रे कलर है पिंक कलर टी पिंक कलर को थ्री टू फोर कलर की कॉम्बिनेशन का ये स्काफ़ है और ये थोड़ा सा शाइनी है अच्छा ये मैंने घर के इस्तेमाल के लिए नहीं लिए ये मैंने सिर्फ रखने के लिए लिए कुछ होता है ना आप रेगुलर बेसिस पे कुछ भी पहन लेते हो तो ऐसा होना चाहिए कि आपके पास दो से तीन या कुछ स्काफ़ बिल्कुल विदाउट वॉश किए वो होने चाहिए ठीक है जिनकी शाइन अगर आप स्काफ़ पहनते हो स्ट्रॉलर तो क्या होता है कि वन वॉश में जितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे वन वॉश में उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है इवन मैं हैंड वॉश करती हूँ स्ट्रॉलर कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती लेकिन फिर भी शाइन उनकी ख़त्म हो जाती है तो ये कि स्ट्रॉलर हमेशा बाहर जाने के लिए अच्छे से स्ट्रॉलर नए रखें और घर के इस्तेमाल के अलग रखें अच्छा मैं अपना थ्री पीस दुपट्टा नहीं लेती घर पे मैं घर पे भी जो है ना शोल्डर पे ये स्ट्रॉलर ही डालती हूँ मुझे अच्छा लगता है ठीक है घर के इस्तेमाल के लिए भी मैं इस्ट्रॉलर ख़रीदती हूँ और ये बाहर आने जाने के लिए मैंने फैंसी से इस्ट्राल ख़रीदे थे अच्छा और ये एक सूट है जो मुझे वैसे ही वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था दुकान पर तो मैंने ख़रीद लिया और इसकी जो प्राइस है वो थाउजेंड रुपीज़ है और ये थ्री पीस सूट है थाउजेंड रुपीज़ का ये मैंने सिर्फ घर पे पहनने के लिए लिया है क्योंकि जब नेक्स्ट गर्मियाँ आती हैं तो फिर एकदम से मार्केट में नहीं भागा जाता और फिर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की सेल लगी हुई होती है आप जितने लोन के सूट खरीदने खरीद लें आधी कीमत में तो बस ये था ये इसकी शलवार है और ये बहुत खूबसूरत सा पर्पलिश और टी पिंक सा कलर है कुछ इसी तरह का आई थिंक शलवार इसका नीचे दुबट्टा है और शर्ट तो मैंने आपको दिखाई दी बातों बातों में ठीक है अच्छा इसकी प्राइस है थाउजेंड रुपीज़ ओनली ठीक है ये लोकल मार्केट का लॉन फैब्रिक का सूट है और इट्स ओके है इतना मतलब देखिए आप स्टिच होगा तो कैसा लगेगा मैं आप लोगों को शो करूँगी इन जब स्टिच हो गया तो अच्छा ये स्ट्रॉलर की जो प्राइस है ये दो स्ट्रॉलर हैं इनकी जो प्राइस है एक की चार सौ है ठीक है चार सौ का ये नेवी ब्लू वाला कलर का मैंने ख़रीदा है और एक ब्लैक में ख़रीदा है ठीक है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं किसी भी किस्म की क्वेरी हो और कुछ भी और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है प्लीज़ क्योंकि मेरा चैनल जो है बिल्कुल कितने दो साल से मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल या कोई वीडियो जो है ना उसका व्यूज़ नहीं आ रहे और चैनल बिल्कुल डाउन चल रहा है तो बस ये कि मोटिवेट करने के लिए आप लोगों ने अपनी बहन की हेल्प करनी है और उसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ठीक है अच्छा एक ये नेवी ब्लू कलर ये शर्ट है आ, सूट की और ये एक ब्लैक कलर का है